के लिए। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी घर घर दस्तक देगी और इस महासंपर्क में पार्टी के सारे बड़े नेता शामिल होंगे। इन नेताओं को 1000 परिवारों के बीच संपर्क करना होगा। इस मिशन आजादी की मॉनिटरिंग दिल्ली की केंद्रीय टीम करेगी। कल से शुरू होने वाला ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इस दिन हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। ये पूरा महा विभिन्न कार्यक्रम चलने वाले हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि हम 1000 परिवारों में पार्टी की रीति नीति, जनता की सरकार के द्वारा किया हुआ काम, जनता के हित का किया हुआ काम लेकर परिवारों के बीच में जाएंगे और हमारे प्रत्येक विधानसभा और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो रहे हैं और इस पर महासंपर्क अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। अब घर घर दस्तक देने की तैयारी है बीजेपी की, आखिर किस तरह पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरह लोगों को साधा जाएगा, जानकारी विस्तार से दीजिए। रितु, देखिए महासंपर्क अभियान कल से शुरू होगा जो पूरे 1 महीने तक चलेगा। इसमें 3 चरण होंगे, तो जो पहला और दूसरे चरण में तो पार्टी के अलग अलग लोगों से मुलाकात, प्रबुद्ध जनों से बैठ के हैं, लेकिन जो तीसरा चरण है जो 20 से 30 जून के बीच चलेगा, ये चरण सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस चरण के बीच में भाजपा के सभी नेता, जो प्रमुख नेता है, जो केंद्रीय मंत्री है, जो मध्य प्रदेश से बने हुए हैं, और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव हो, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, वो तमाम जितने भी प्रमुख बड़े नेता हैं, ये सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोग इस अभियान में 20 से 30 जून के बीच अलग अलग घरों पर दस्तक देंगे। और भाजपा ने इसे एक तरह से नाम दिया है मिशन हजारी, मतलब भाजपा इसमें 1000 परिवारों के बीच संपर्क करेगी और ये प्रत्येक नेता को जिम्मेदारी दी गई है कि 1000 परिवारों के बीच उसे संपर्क करना है। अब इस परिवारों में या तो प्रबुद्ध जनों के परिवार होंगे, विशिष्ट जनों के, या ऐसे लोग जो साहित्यिक जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो कवि हैं, या इस तरह की पृष्ठभूमि वाले जो डॉक्टर्स हों, वकील हों, ऐसे परिवारों के बीच भाजपा घर घर दस्तक देगी और इन लोगों से संपर्क करके भाजपा को 9 साल जो मोदी सरकार के हुए उसकी उपलब्धियों के बारे में बताएगी और उसके अलावा ये बताएगी कि मध्य प्रदेश में भी कैसे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। तो कुल मिलाकर भाजपा का जो मिशन है वो 2023 और 2024, इन दोनों को एक साथ अंजाम दिया जाएगा। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटती हूँ अगली खबर पर। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है, नेताओं में समन्वय बनाने को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया समेत दिग्गज अब शामिल होंगे और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। देर शाम ये बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, समन्वय बैठाने के लिए पार्टी में बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण होगी और किस तरह से समन्वय आखिर बैठाया जाएगा पार्टी में? रितु, ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि इसे भाजपा की एक कोर ग्रुप, लेकिन ये एक टोली बैठक है और इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये लोग अभी सभी प्रमुख नेता शाम को अभी पहुंच जाएंगे और इसके अलावा वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, ये सभी नेता शाम को एक साथ 7 बजे बैठक शुरू करेंगे। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिनों से बीजेपी में समन्वय को लेकर कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि कुछ नेताओं में मन मुटाव है या अभी कुछ तरह के बयान सामने आए थे, कुछ तरह की गुटबाजी सामने आई थी, इन सभी चीज़ों को विराम देने के लिए यह बैठक रखी गई है और इसमें सभी नेता शाम को चर्चा करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी से कोई एक लाइन आएगी कि किसी तरह का भी कोई विवाद नहीं है और सारे नेता एकजुट हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, वो बस्तर में 4 दिन गुजारेंगे। इधर बस्तर को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बीजेपी यहां की 12 सीटों पर सर्वे करा रही है जिसको लेकर वार पलटवार जारी है।
चुनावी साल कांग्रेस का सर्वे जीत का दावा। सर्वे पर मचा सियासी घमासान। बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस सर्वे करा रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने बस्तर की सभी सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। विधायकों का काम को आकलन किया जाएगा, लगातार आकलन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान कर रही है, सर्वे भी चल रही है, उस आधार पर दिल्ली हाईकमान फैसला लेगा। लेकिन दिल्ली हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, हम लोग पूरे लोग, पूरे कार्यकर्ता, हम उसके लिए काम करेंगे। सर्वे के मुताबिक क्या चल रहा है? सर्वे नेगेटिव, सर्वे तक, सर्वे का मुताबिक सीधा सीधा ये रहेगा कि जिताऊ प्रत्याशी को ही हाईकमान टिकट देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार बनाना हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है और इस 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है, तो निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर जो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा पार्टी उसको टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे। इधर बस्तर सांसद के दावे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस के पास सर्वे के अलावा कुछ काम नहीं है। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सर्वे के अलावा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर सर्वे करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी करना केंद्र करता है, लेकिन हम इस तरह के कोई नहीं, हम काम के भरोसे आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पाने की सीढ़ी बस्तर से होकर जाती है। विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए चुनाव के पहले चरण में सबसे पहले बस्तर में चुनाव संपन्न कराया जाता है और इन 12 सीटों को पाने के लिए दोनों राजनीतिक दलों के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। साल 2018 के चुनाव में बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। श्रीनिवास नायडू, जगदलपुर, News18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।